पीएम मोदी पहुंचे अयोध्या नगरी, राम जन्मभूमि तीर्थ स्थल का किया निरीक्षण, रामलला के किए दर्शन, भगवान राम राज्याभिषेक में भी हुए शामिल। एक समय था जब राम के बारे में हमारी संस्कृति और सभ्यता के बारे में बात करने तक से बचा जाता था। इसी देश में राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाए जाते थे। उसका परिणाम क्या हुआ? हमारे धार्मिक सांस्कृतिक स्थान और नगर पीछे छूटते चले गए। हम यही अयोध्या के रामघाट पर आते थे तो दुर्दशा देखकर मन दुखी हो जाता था। काशी की तंगहाली, वो गंदगी और वो गलियां परेशान कर देती थी। जिन स्थानों को हम अपनी पहचान का, अपने अस्तित्व का प्रतीक मानते थे, जब वही बदहाल थे तो देश के उत्थान का मनोबल अपने आप टूट जाता था। साथियों, बीते 8 वर्षों में देश ने हीन भावना की इन बेड़ियों को तोड़ा है। हमने भारत के तीर्थों के विकास की एक समग्र सोच को सामने रखा है। हमने राम मंदिर और काशी विश्वनाथ धाम से लेकर केदारनाथ और महाकाल महालोक तक घनघोर उपेक्षा के शिकार हमारी आस्था के स्थानों के गौरव को पुनर्जीवित किया है। एक समग्र प्रयास कैसे समग्र विकास का जरिया बन जाता है, आज देश इसका साक्षी है। आज अयोध्या के विकास के लिए हजारों करोड़ रुपए की नई योजनाएं शुरू की गई है। सड़कों का विकास हो रहा है, चौराहों और घाटों का सौंदर्यीकरण हो रहा है, नए इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, यानी अयोध्या का विकास नए आयाम छू रहा है। अयोध्या रेलवे स्टेशन के साथ साथ वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट का निर्माण भी किया जाएगा, यानी कनेक्टिविटी और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन का लाभ इस पूरे क्षेत्र को मिलेगा। अयोध्या के विकास के साथ साथ रामायण सर्किट के विकास पर भी काम चल रहा है, यानी अयोध्या से जो विकास अभियान शुरू हुआ उसका विस्तार आसपास के पूरे क्षेत्र में होगा। साथियों, इस सांस्कृतिक विकास के कई सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय आयाम भी हैं। श्रृंग वीरपुर धाम में निषाद राज पार्क का निर्माण किया जा रहा है। यहां भगवान राम और निषाद राज की 51 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा बनाई जा रही है। ये प्रतिमा रामायण के उस सर्व समावेशी संदेश को भी जन जन तक पहुंचाएगी जो हमें समानता और समरसता के लिए संकल्पबद्ध करता है। इसी तरह अयोध्या में क्वीन होम मेमोरियल पार्क का निर्माण किया गया है। ये पार्क भारत और दक्षिण कोरिया अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के लिए, दोनों देशों के सांस्कृतिक रिश्तों को मजबूत करने का एक माध्यम बनेगा। आप कल्पना कर सकते हैं, इस विकास से पर्यटन की इतनी संभावनाओं से युवाओं के लिए रोजगार के कितने अवसर पैदा होंगे। सरकार ने जो रामायण एक्सप्रेस ट्रेन चलाई है वो स्पिरिचुअल टूरिज्म की दिशा में एक बेहतरीन शुरुआत है।